Normalmente mi arrivo arbeiter risolte! प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया, क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में है, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? केवल नाम में इंडिया गठबंधन नहीं है, दिल में इंडिया है, दिल में। बैनर देखिए आप लगा हुआ है, तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ, एक पोस्टर लगा है जिसमें अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल के सलाखों के पीछे दिखाए जा रहे हैं। और आप लोगों ने गोविंदा का फिल्म का एक गाना सुना होगा कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो लूट गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले दो खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीद कर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब मिलाकर दिव्यांग लोग भी पहुंचे हैं, भारी तादाद में लोग यहां पहुंचे हैं। बीजेपी को घराएंगे, पूरी तरह से घराएंगे। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जिस ढंग से आज महंगाई सातवें आसमान पर है, जिस ढंग से पूरे देश में नफरत की आग फैलाई जा रही है, जिस ढंग से हर एक जाति हर एक वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए भी यहाँ कोई नहीं खड़ा हुआ है, क्या कोई भी इस देश में बड़ा नेता हो जाए वो सबसे बड़ा नहीं होता है? आज भारत की जनता सबसे बड़ी है। अगर कोई दल बहुत अपने आप को शक्तिशाली समझता है, लेकिन भारत की 140 करोड़ की जनता से ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर नहीं हो सकती है। इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा देर रुकने वाले नहीं हैं। आज हम लोग दिल्ली में आए हैं, सुना है लोग दिल्ली वाले आज दिल्ली से बाहर गए हैं। ये समझ लेना हम सब लोग आने वाले हैं, और दिल्ली से जो बाहर जा रहे हैं आज, वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। ये लोग जो नारा देते हैं 400 पार, ये लोग जो नारा दे रहे हैं 400 पार, अगर आपके 400 पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है? किस बात की घबराहट है? आपने अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, और मैं तो उस उत्तर प्रदेश से आता हूँ जिस उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, उनका स्वागत किया। लेकिन याद रखें, उत्तर प्रदेश के लोग अगर स्वागत करते हैं तो समय आने पर धूमधाम से विदाई भी करते हैं।
आप लोग आज रामलीला मैदान क्यों पहुंचे हैं? केजरीवाल का साथ देने आए, केजरीवाल का साथ देने आए। केजरीवाल पंजाब से आए हैं? पंजाब से आए। अच्छा, केजरीवाल जी का साथ कैसे देंगे? क्या क्या आप किस चीज के लिए यहाँ पर आने थे? आपको जो जिस तरह से अभी केजरीवाल जेल में है, आपको क्या लग रहा है इस पर? अच्छा, तो आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं? उसे छोड़ दे, आप सरकार चलाने दे उसे। अच्छा, आप लोग भी हैं, कुछ क्या कहना चाहेंगे? जी, जो ये मोदी सरकार ईडी और पुलिस प्रशासन उन चीजों का दुरुपयोग करके हमारे पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी को हैरान कर रही है, और उनको मालूम है कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल एक प्रधानमंत्री के रूप में उभर रहे हैं, और उनको विरोधी के दिल में सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही दिख रहे हैं, इसलिए वो झूठे फ्रेम में अरविंद केजरीवाल को अंदर कर रहा है। इसके प्रोटेस्ट के लिए हम यहाँ आए थे, और हम चाहते हैं कि जो ये न्याय का ईडी प्रणाली के वो दुरुपयोग कर रहे हैं वो ना करें, इसके लिए हम आज प्रदर्शन के लिए आए थे। और इंडिया गठबंधन बहुत अच्छी तरह से उभर रहा है, और आने वाले समय में एक निरोल सरकार बनेगी, जो जो भ्रष्टाचारियों को, हमारे मंत्रियों को और को ईडी का डर देकर अपने में शामिल करके गुमराह कर रहे हैं, उस चीज के लिए आज इंडिया गठबंधन ने न्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। जैसे पहले भक्त सिंह उन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही हमारे नेता अरविंद केजरीवाल देश की आजादी के लिए और देश के नौजवानों के लिए इस बीजेपी सरकार के लड़ रहे हैं, इसलिए ये आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पीएम कैंडिडेट है, लेकिन इंडी गठबंधन तो खड़गे जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बना रहा है। कोई भी चीज होती है उसमें कैंडिडेट होना या ना होना कोई बड़ी बात नहीं, ये होना चाहिए कि उनकी सोच क्या है, उनकी सोच देश के लिए जो अच्छी सोच है उसमें कैंडिडेट। आज हम हमारे गांव से इतने लोग आए हैं, हमसे भी कोई भी कैंडिडेट हो सकता है, पर इसमें सोच की बात है, इस सोच की बात कर रहे हैं लोग, उस सोच को सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन ही ला रहा है, जो इस टाइम लोगों के लिए जरूरी है, वरना जो बीजेपी देश में तानाशाह हो जाएगी और वन जो इलेक्शन का ये मोटिव ले रहे हैं, वन नेशन का, वो भी इनका एक जैसे बाहरली कंट्रियों में प्रशासन पर कब्जा हो जाता है, इसी तरह बीजेपी यहाँ कब्जा करके अपने कॉर्पोरेट ग्रानों के साथ जाराने निभाना चाहती है। ये आम लोगों की नहीं सोच रही बीजेपी, ये सोच रही है सिर्फ कॉर्पोरेटिव ग्रानों की। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि ये ईडी समन भेजती रही और केजरीवाल टालमटोल करते रहे, और अब गिरफ्तारी के बाद बोल रहे हैं कि फंसाया जा रहा है। उनको पता था कोई भी सिस्टम होता है। आज हमारा यहाँ रामलीला मैदान में आज हमारा प्रदर्शन था, रैली थी इंडिया गठबंधन की, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सारा ताम झाम करके देखा भी इनका शेड्यूल कब बिजी है, इसलिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल को उस टाइम समन भेजे जब वो इस उसमें हाजिर नहीं हो सकते थे। बोलिए जब वो इसमें हाजिर नहीं हो सकते थे, इसी कारण करके उन्होंने आज जब हमारे केजरीवाल जी हो गए, उन्होंने अपने आप ईडी में पेश होना था, तभी उन्होंने बाहर से उनको उठवा दिया। अच्छा, खबरें आ रही है कि सीएम जो है दिल्ली की सुनीता केजरीवाल जी बन सकती है, ऐसा है क्या? ऐसा कोई नहीं है, हमारे अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल रोश है, वो आएंगे, और अगर उनकी पत्नी भी सीएम बनती है तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उनकी सोच भी देश के लिए, भलाई के लिए है, दिल्ली के लिए। वो जो डेवलपमेंट स्कीम है केजरीवाल जी लेके आ रहे थे वो ले आएंगी, अगर ये प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या का तो चेंज हो गई, किसी न किसी को तो जिम्मेवारी मिलेगी। अच्छा, तो अच्छा, आप भी पंजाब से आए हैं? हाँ जी। अच्छा, पंजाब से आप आए हुए हैं केजरीवाल का समर्थन करने के लिए दिल्ली में, क्या लगता है कि गिरफ्तारी कैसे आप लोग देख रहे हैं? गिरफ्तारी हमारे को तो लगता है कि कैसे जबरदस्ती की है, जबरदस्ती करने का कोई उपाय तो है, जबरदस्ती करेगा अपने आप पछताएगा बाद में,
इसको पछताना तो पड़ेगा। पंजाब से लोग आते हैं, इतने इतने लोग आएंगे, अगर एक पंजाब से एक सर पर और भी लोग हैं उनसे भी राय जानते हैं। हाँ भैया, क्या नाम है? मेरा नाम पिंकल गर्ग है। तो कहाँ से आप आए? मैं संगरूर पंजाब से आया। पंजाब से आए, मतलब पूरी मंडली पंजाब से ही आई है यहाँ? सारे के सारे पंजाब से। अच्छा, पंजाब से आए। अच्छा, भगवान मान जी ने भी कहा था कि भाई हम लोग पहुँचेंगे रामलीला मैदान, तो सब लोग वहाँ से यहाँ पर पहुँचे? बिल्कुल बिल्कुल पहुँचे, सारे MLA पहुँचे, सारे मंत्री पहुँचे और सारे वर्कर पहुँचे। सभी लोग जो अरविंद केजरीवाल जी को चाहते हैं, सब लोग अपना काम वाम छोड़ के सब यहाँ पहुँचे। अब क्या लगता है आपको, क्या होगा आगे का इंडी गठबंधन का, क्या होगा फ्यूचर? फ्यूचर में बीजेपी हारेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी बने, सरकार मिलजुल के चलेगी और अच्छी चलेगी। अच्छा, इंडी गठबंधन में भी बड़े मतभेद रहे, कभी नीतीश और लालू में रहे, कभी ममता जी में और केजरीवाल जी में भी रहे, लेकिन कैसे संभव है कि कौन सा चेहरा बनेगा? ये अंदर की बात है, समझौते सारे हो चुके हैं, तभी गठबंधन होता है इसी बात का, ठीक है। बाकी इसको क्या मिलता है क्या, तो मतलब इंडी गठबंधन का चेहरा सामने नहीं आएगा? अभी नहीं आएगा जी, जब तक चुनाव नहीं होते, कौन सी पार्टी कितनी सीटें लाती है, तब तक कोई, तो जनता किसके चेहरे पर वोट करेगी, ये भी तो है। केजरीवाल जी की सोच, तो अभी एक तरफ राहुल गांधी भी है, एक तरफ ममता बनर्जी भी है, एक तरफ केजरीवाल भी है, तो कौन रहेगा? ये स्टेट वाइज अलग अलग ट्रेंड है, जैसे पंजाब और दिल्ली में जनता केजरीवाल के सपोर्ट में ही वोट। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके। तो ये लोग रामलीला मैदान पहुंचे थे और ये अपनी राय रख रहे थे। इनका कहना था कि जिस तरह से एक बैनर देखिए आप लगा हुआ है, तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ, इस बात को भी वो कह रहे थे, क्योंकि एक पोस्टर लगा है जिसमें अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल की सलाखों के पीछे दिखाए जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए समर्थन के लिए पंजाब से लोग, दिव्यांग लोग भी पहुंचे हैं, भारी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हैं प्रदर्शन समर्थन देने के लिए अरविंद केजरीवाल को। और यहाँ पे भैया भी आ रहे थे, क्या नाम था भैया आपका? करतार सिंह। करतार सिंह भाई, करतार सिंह पंजाब से आए थे और ये सब भी मंडली पंजाब से पहुंची है, सीनियर लोग भी हैं। और अरविंद केजरीवाल भाई तेरी सोचते पंतमान भाई तेरी सोचते पंतमान भाई तेरी बल्ले बल्ले अरविंद केजरीवाल भाई तेरी बल्ले बल्ले अरविंद केजरीवाल भाई तेरी सोचते। 2024 में कितनी सीटें आ रही इंडिया गठबंधन की? बीजेपी बोल रही 400 प्लस, आप लोग क्या बता, आप भी तो आंकड़े बताओ। 250 बार 250 से भी ऊपर सीटें लेके जाएंगे गठबंधन में जी, बीजेपी को गिराएंगे, पूरी तरह से हराएंगे। तो ये देखिए इनकी राय है, इन्होंने अपनी राय की। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का बात करने के लिए, धन्यवाद।